अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पीछे बंदे तो नहीं आ रहे? पता नहीं। वेलकम एवरीवन, कैसे हो? आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सरप्राइज, बिग सरप्राइज एवर। कैसे हो? पहले लाइक सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद सरप्राइज ये है कि मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान। यस, आप लोगों ने सही सुना, मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान। सरप्राइज है सबके लिए, मैंने किसी को नहीं बताया, सिवाय एक बड़े भाई को पता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता। जाने का कोई इरादा नहीं था अपना, बंदे आ गए, रुको, जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन पता है फैमिली पाकिस्तान चली गई हुई है और भाई भी जा रहा था सुबह, तो मैंने भाई को वैसे ही बोला क्या करूँ, मैं भी चलूँ, तो भाई ने बोला आ जाओ चलते हैं। मैं पीछे अकेला रह गया था, मैंने बोला चलते हैं, तो भाई कहता लेट्स गो। फिर हमने डिसाइड किया क्यों ना कि हम लोग पाकिस्तान जाएँ। सो फिर इसी तरह मैंने अपनी तैयारी बना ली, सीट मेरी हो गई, भाई के साथ तो नहीं हुई क्योंकि पहले मुझे जाना पड़ेगा जर्मनी, जर्मनी से फ्लाइट लेनी पड़ेगी दुबई की, दुबई जाके हम इकट्ठे होंगे, तो वहाँ तक हमें अकेले अकेले जाना पड़ेगा। सरप्राइज बहुत बड़ा है, मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ऐसे सरप्राइज दूंगा। हमारी वहाँ पर शादी भी है अपनी, तो चलो शादी भी अटेंड कर लेंगे और थोड़ा घूम फिर के आएंगे। सो अभी मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने, मिलते हैं आगे जाके, पूरा मजा आएगा व्लॉग को, आप लोगों ने मिस नहीं करना ये व्लॉग, पूरा देखना है क्या बनता है आज। मैं आया था बाल कटवाने, बड़ा भाई पहले ही आगे कुर्सी मल के बैठा हुआ है, और इधर आने सर ऑफिशियल कर रहे हो क्या? इन्होंने भी जाना है पाकिस्तान, लेकिन मेरी फ्लाइट इनसे अलग है, आगे जाके दुबई इनके साथ मुलाकात होगी। मैं बाल कटवाने आया हूँ, लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पे यार मोटा हो गया है। रेडियो पाकिस्तान वाला सरप्राइज कैसा है? मुझे किसी ने बताया रेडियो बहुत ही क्यूट लग रहा है यार, खुशी से मैं नडाल हो चुका हूँ, मैं सुबह जा रहा हूँ, समझ रहे हो? लेकिन डर एक चीज का ये भी है, जो गर्मी उतर नहीं भागी तो बेग ही पड़ना। फाइनली गाइस, इस बाल हमने कटवा ली है, जवान हो चुके हैं एक दफा फिर से, जवान हो गया। तो अभी घर की तरफ जाना है, नहाना है, और सुबह पैकिंग, अभी पैकिंग जाके करनी है। मैंने आपको पता है पैकिंग मैंने बिल्कुल नहीं की, कुछ भी नहीं, और मजे की बात पता क्या है, मैं सोच रहा हूँ वही कपड़े लेके ना पाकिस्तान धुलाई कर लेंगे, क्योंकि अभी तो 10 बज गए हैं, दुकानें बंद हो चुकी हैं, कुछ नहीं लिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फाइनली हम लोग पहुंच आए हैं एयरपोर्ट पे, गुड मॉर्निंग सबको, क्योंकि सो के उठा था, नहाया था, उसके बाद सीधा हम आ गए एयरपोर्ट पे। टाइम बज गए हैं 5:10, 7:15 पे हमारी फ्लाइट है यहाँ से जर्मनी म्यूनिख से मुझे चेंज करनी है दुबई के लिए, अबू धाबी के लिए, फिर वहाँ से पाकिस्तान। आज का हमारा सबसे बड़ा सरप्राइज जो मैंने सबको दिया है विद पब्लिक, एवरीवन सबको सरप्राइज दिया है, आई होप आपका सबसे सरप्राइज हमारा ठीक लगेगा। और मजे की बात है, हम दोनों भाइयों ने कच्चे पहने हुए, गर्मी बहुत है पाकिस्तान में, सारे तो ये किंग, सारा रश किंग बर्गर से लगे हैं, इराइन न्यूयॉर्क, अगर इतना रश हमारा हुआ तो हम कैसे जाएंगे, लेट हो जाना है, यकीन मानो। समझ रहे हो, अंदर आके खड़ा हो गया पिछले 5 मिनट से ना, 10 मिनट से मैं यही ढूंढ रहा था कि मेरी फ़्लाइट किधर है, मुझे समझ नहीं आ रही थी। अभी किसी सियाने बंदे ने बताया रेडियो फुद्दू, तुम्हारी फ़्लाइट का अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आई, अभी सिर्फ बोर्ड स्क्रीन पे आ रहा नाम, इन्फॉर्मेशन नहीं आई। सो अभी मैं देख रहा हूँ, तो मैंने बोला कि चलो मैं चेकआउट कर लूँ, 72 पे मेरी फ़्लाइट आएगी, वो देख लें सामने, ये म्यूनिख की फ़्लाइट है, गेट है E72 पे हमारी फ़्लाइट आएगी, E72 पे हमारी फ़्लाइट आएगी, आगे जा रहे हैं हम लोग, लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं आगे क्या होता है। लोग मेरी तरफ़ देख के बच्चियाँ हंस रही हैं, उनको लगता है कि ये फुद्दू बंदा है, लेकिन इनको पता नहीं मैं हूँ कौन, मैं मजाक कर रहा हूँ, वो वैसे ही हंस रही हैं। सो आगे जाके मिलते हैं, ठीक है। मैं गया था शाम को ना दोस्त की शॉप पर भाई के साथ खाने पीने के लिए ना कुछ, तो भाई बता नहीं रहा था कि जाना कब है, तो मैंने भाई को बोला बताओ कि कब जाना है, भाई ने बताया नहीं। फिर भाई का एक दोस्त आया हमारा, बड़े भाइयों की तरह वो आए, उन्होंने मुझे आके बताया, फिर भाई सुबह जा रहा है छोड़ने के लिए, जा रहे हो या नहीं, मैंने बोला कितने बजे जाना है, इतने बजे, वहाँ पे मुझे पता चल गया। अब भाई उनको कह रहे कि आपने क्यों बताया, आपके पास आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने बोला मैं सबको बताऊँगा। तो ऐसे बैठे हुए थे, मैंने बोला पीछे मैं अकेला रह जाऊँगा, समझ नहीं आ रही क्या करूँ। मैंने क्या किया कि वहाँ से ना भाई को मैंने बोला मेरी भी टिकट करवाओ, मैंने भी जाना है, इन्होंने बोला पक्की बात है, मैं डन, इन्होंने टिकट चेक करवाई, टिकट कोई मिले ना, फिर मैंने इरादा पक्का कर लिया, फिर मैंने बोला भाई जो भी हो मुझे जाना है,
तो फिर इन्होंने बोला कि पहले जर्मनी जाना पड़ेगा, जर्मनी से फिर आगे जाना पड़ेगा दुबई, दुबई से हमारी फ़्लाइट इकट्ठी होगी, यहाँ से एक साथ कोई नहीं है। बिज़नेस क्लास है लेकिन वो बहुत महंगी है, $4,000 की है। तो मैंने बोला चलो सही है, मैं तो चले जाऊँगा जर्मनी, जर्मनी से फिर आऊँगा दुबई। फिर मैंने वहाँ से तैयारी बनाई, फिर इसलिए रात को स्ट्रीम पर भी गया। स्ट्रीम पर मैंने जाके स्ट्रीम जल्दी बंद कर दी थी, इसलिए जर्मनी जल्दी स्ट्रीम बंद कर दी थी बिकॉज ऑफ दैट कि मुझे जाना था, मैंने अपनी तैयारी करनी थी। और सामने एक लड़की जा रही थी लड़के के साथ, उसने मुझे देखा है कि एक वीडियो बना रहा है, उस दूसरे लड़के को कह रही है देखो व्लॉगर है कोई, समझ रहे हो, लेवल अपना अलग। फाइनली हम लोग पहुंच आए हैं जर्मनी, जर्मनी हम उतर गए और अभी मैं जा रहा हूँ टर्मिनल 2 पे। लेट हो गया हूँ, टाइम थोड़ा 11:15 हो गया, 12 बजे मेरी फ़्लाइट है, अभी बोर्डिंग करवानी है तो लेट हो जाना मैंने काफ़ी। तो अभी बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, बस जैसे ही आती है फिर हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पर मेरा 5G इंटरनेट है, तो 5G इंटरनेट मेरा चल रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कसम खुदा की कि मेरा 5G इंटरनेट चल रहा है, मजाक नहीं है। 12 Pro Max में 5G है। 1.5 घंटे की जलालत के बाद फाइनली हमारी बोर्डिंग कंप्लीट होने के बाद फ्लाइट आ चुकी है। अब लोग मैं बैठने लगा हूँ जहाज में, इंशाल्लाह अब दुबई जाके आप लोगों से मुलाकात होगी। चल रहा है मॉल पूरा, नीचे चेकआउट कर लो। इस्तांबुल, आई थिंक इस्तांबुल के पास पहुंचे हम लोग। खाने का टाइम आ गया, खाना खाने लगे हैं। ये हमने चिकन मंगवाया है और ये चले हैं वाटर है। क्या भाई नीचे से दूसरा जहाज़ गुजर रहा है, भाई देखते हैं कौन सा जहाज है ये। यह ईवर ईवान ईवर नाम जहाज है, सब हमसे नीचे है ये, हम मैं थोड़े से ऊपर है, हम और ये आसमान की ऊंचाइयों में घूमते हुए रेडियो लगे। आ चुके हैं हम लोग दुबई एयरपोर्ट पे, अबू धाबी अभी पहुंचे हैं तकरीबन 10 मिनट पहले। अभी थोड़ी चेकिंग वगैरह करवा के अब अपनी सीट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दैट मुझे अभी तक नहीं पता कि लाहौर का जहाज़ की तरफ लगना है। तो मैंने चेकआउट किया है, तो अभी लाहौर के जहाज़ की तरफ मैं निकल रहा हूँ, देखते हैं कि हमें वहाँ पे जहाज़ मिलता है या नहीं। आगे आगे बड़े भाई भी हैं, वो उनका जहाज़ अभी तक आई थिंक नहीं पहुँचा, वो मुझसे लेट है। A few minutes later. So finally, छोटा आ चुका है, मुलाकात हो चुकी है। बड़े भाई यहाँ पे चीज़ें परचेज कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं लिया था, ये पीछे वो सामान वगैरह ले रहे हैं। मैं ज़रा गपशप लगा रहा हूँ लड़कियों से, आगे पीछे बता, समझ रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आ चुके हैं हम लोग जी पाकिस्तान एयरपोर्ट पे, सॉरी दुबई से निकलते हुए बनाई आई थी, बोला नहीं बंदे थे। सो आ चुके हैं लाहौर एयरपोर्ट पे, गर्मी ठीक है। दुबई ना लुकाट है, दुबई भाई साहब उतरे हैं यकीन मानो 48 टेम्परेचर था, 48 एयरपोर्ट। ये लाहौर एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं लेकिन गर्मी इधर थोड़ी कम है लेकिन है ज़रूर। तो अभी हम घर की तरफ निकलेंगे, 24 घंटे हो गए सफ़र में, सुबह के 4 बज चुके हैं। तो अभी घर की तरफ निकलते हैं, आगे जाके मिलते हैं। अभी तो घर वालों को सरप्राइज देना है, किसी को बताया ही नहीं है। जिना कराची वाले हो, माजर है लाहौर से निकल रहे हैं, लाहौर से कोई बंदा तो मिलने आया नहीं हमें, बर कोई बात नहीं जना लामा इकबाल, फिर जिना पढ़ गए पब्लिक। ये देखो हम सियालकोट के पास है और यहाँ पे लोग लगा रहे हैं मूंजी, सुबह सुबह मूंजी लगा रहे हैं। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कितने बंदे हैं, 10, 12, 15, 20। ये तो पूरी जंज बुलाई है ना भाई। ये रोड देख लो पाकिस्तान के, अल्लाह ही हाफिज है भाई, कब ठीक होंगे ये रोड पाकिस्तान के। ये सियालकोट है भाई, सियालकोट की बात है ये, सियालकोट में ये हिसाब किताब है, आप लोग चेक कर लो यार कितना सोना माहौल लग रहा है, ग्रीनरी चेक करो। अच्छा ये मूंजी नहीं है, ये मतलब सैलाब है, पानी जो है ना इकट्ठा हुआ है यहाँ पे, बारिश ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा पानी है ये मुंजी में, देख मुझे नींद आई है इतनी। फाइनली हम लोग आ चुके हैं दरियाए चिनाब पे, आप लोग देख सकते हैं दरियाए चिनाब ही है,
शहबाजपुर लेकिन इस वक्त बारिश की वजह से सही चढ़ा हुआ है पानी, समझ रहे हो, वरना जब पिछली दफा बीटीएस की मैंने बनाई थी ये सूखा ही था, सूखा था, पानी आई कोई नहीं। आप देखो पानी काफी उसका ना जा रहा है, हैवी माहौल है, जबरदस्त है, लगा हुआ पूरा सीजन लगेगा। हम चाहते डेरा बनेगा या खत्म हो जाएगा? दरिया चनाब शहबाजपुर, समझ रहे हो, यहाँ का कोई बंदा है तो कमेंट सेक्शन में जरा नाम शाम बता दो कौन है, ठीक है। पब्लिक खाना खाने के लिए रुके हैं हम लोग, अभी भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, नाश्ता नाश्ते के लिए सुबह को, गर्मी अखीर लेवल की है भाई, अब बस है इतनी, हालांकि बारिश हुई है, पक्का लगाया उन्होंने। लो यार वीडियो बनाने लगा था, बाजार अपने की स्टार्ट हो गया बाजार, लेकिन टेम्पू आ गया सामने, टेम्पर टेम्पर। सो ये हमारा भाई बरनाला बाजार है, अभी हम यहाँ से गुजरने की कोशिश में लगे हुए हैं, बंदे देख रहे हैं आगे पीछे और कबूतरों की तरफ देख रहे हैं, सुबह का टाइम है, बाजार अभी खुला नहीं है सारा, अभी पब्लिक, हम घर जाने से पहले आए हैं कब्रिस्तान, दादाजी वगैरह उनके अलावा और भी हमारे फैमिलीज के दो तीन बंदों की डेथ हो गई थी हमारे जाने के बाद, तो अभी हम पहले जो है ना कब्रिस्तान आए हैं दुआ के लिए, फिर यहाँ से अब घर जाएंगे, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पर थोड़ी दुआ कर लें, फिर घर वालों के साथ जाके मिलते हैं, ठीक है। तो नाज़रीन ये भी ऐसा निकला है घर पे, बताया पुलिस, तो अब घर पे जा रहा है, देखो होता है क्या इसके साथ। तो आप यकीन करें अब आपको आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, सो पब्लिक फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर, घर से सबके साथ मुलाकात हो गई, आप लोगों ने व्लॉग देख लिया होगा, आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, सबको सरप्राइज़ दिया, तो प्लीज़ इस वीडियो पे ना कम से कम 100,000 लाइक तो लेके आना है, सबसे बड़ा सरप्राइज़ था, सरप्राइज़ अच्छा लगा या नहीं ये बताओ, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, अब इंशाल्लाह व्लॉग डेली आएंगे, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और FM रेडियो व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर लो, उस पे भी डेली सब्सक्राइबर आएंगे। बारिश लगी हुई है हल्की हल्की, पीछे नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, यस बारिश लगी हुई है, व्लॉग वाले चैनल पे भी व्लॉग आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंशाल्लाह डेली व्लॉग आया करेगा एक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दो में याद रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।